हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 AM हो रहे हैं और मैं अभी पार्क में जाऊंगा। भूवी और प्रगुन को जो है वो घुमा के लाना होता है पार्क में। उसके बाद हमारा प्लान है आज नॉर्थ नोएडा सेक्टर 18 जाने का, DLF मॉल जहाँ पर स्नो वर्ल्ड है। उसके बाद हमारा प्लान है अक्षरधाम मंदिर जाने का, वहाँ भी हम जाएंगे। वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मैं वहाँ आपको बताऊँगा शाम को कि क्या क्या करना चाहिए वहाँ जाके आपको। और अगर आप स्नो वर्ल्ड जा रहे हैं तो साथ में अपनी सॉक्स पक्का ले जाएं और फुल पैंट पहन के जाएं। ये दो चीज़ मैं आपको बस सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर सॉक्स मिलती नहीं है। बाकी सब कुछ वहाँ आपको टिकट में इंक्लूड रहेगा, और क्या क्या वहाँ होगा मैं आपको सब शाम को बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं सीधा स्नो वर्ल्ड DLF मॉल नोएडा। बाय बाय। सो गाइज, अभी हम अपने पार्क में हैं और ये देखिए बच्चे कितने मज़े कर रहे हैं। अलग अलग किस्म के आसन करते हैं लोग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और इनको जो है सुबह सुबह उठने की आदत है, तो ये उठ गया। छुट्टी है इनके आज स्कूल की, तो आज ये जल्दी उठ गए फिर दोबारा से। करना आता नहीं था, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। हाँ, और ये जो बच्ची है ना, ये बहुत शैतान बच्ची है हमारी छुटकी है। ये बहुत शैतान है ये। अभी इसको पूरी रात खांसी होती थी, पूरी रात खांसी होती थी। अरे मैं आपको एक पेड़ से दूसरा पेड़ आसन। और ये प्रगुन है, ये तो इसका अच्छा भैया है। गाइस, ये भूवी जो हमारी बच्ची है, ये बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग बच्ची है। वो भी शो योर स्टंट। देखो मेरी फ्लाइंग बर्ड है ये। फ्लाइंग बर्ड बन गए हो। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 18 DLF मॉल में। यहां पर हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। लेवल 1, 2, 3 पार्किंग है। आप 60 रुपये में आराम से अपनी गाड़ी जो है सेफली पार्क कर सकते हैं यहां पर। अब हम पार्किंग के लिए जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है और पूरी फैमिली है अभी अंदर। अभी गाड़ी पार्क हो रही है। एक्चुअली आज काफ़ी रश है, सो इसलिए ये गई हम। तो गाइस, फिर हम पहुंच गए हैं DLF मॉल गुड़गांव में। यहां पर हमने एंट्री कर ली है। तो गाइस, आप अब लिफ्ट से निकल के ऐसे ऊपर आएंगे। यहां पर फर्स्ट फ्लोर से आपको फोर्थ फ्लोर में जाना है। तो स्नो वर्ल्ड है वो आपको फोर्थ फ्लोर मिलेगा। ये देखिए यहाँ प्रगुन क्या कर रहा है। प्रगुन क्या क्या कर रहे हो बेटा? ये दोस्तों देखिए, ये फोर्थ फ्लोर में जहाँ पर स्नो वर्ल्ड है, उससे पहले एक लिफ्ट डाउन यहाँ पर किड्स प्ले एरिया है। यहाँ बच्चों के साथ आके आप काफी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को मजा आ जाएगा यहाँ आके। और देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे और आपको सामने दिखाई देगा स्नो वर्ल्ड। दोस्तों स्नो वर्ल्ड की टिकट है 1000 रुपीज़ की। 4 साल से छोटे बच्चे की कोई टिकट नहीं है। 1 घंटा 15 मिनट टाइम मिलेगा। तो हमने यहाँ से जो है अपने अपने यहाँ पर मिलेगा आपको सूट, मतलब कि जैकेट, शूज एंड ग्लव्स, और आप यहाँ बैठ के अपना जो है चेंज कर सकते हैं कपड़े। तो ये देखिए यहाँ सबके सब लग गए हैं चेंज करने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए। यहीं पर ही आपको अंदर क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहां पर आप अपना सामान इजीली रख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहां के आप अपना सामान रख सकते हैं। है प्रगुन, ये देखिए गेट नंबर 2 से अब हमने एंट्री कर ली है। यहां पर ना अपनी फोटो खिंचा सकते हो आप। आपको चाहिए तो बाद में मिल सकती है फोटो यहां से। चलो निकल करके एंट्री करो। ये यहाँ से एंट्री है। तो दोस्तों देखो, यहाँ से हो गई है अब हमारी एंट्री और यहाँ पर हम घुस चुके हैं स्नो वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। देखिए आप कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं।
देखिए प्रगुन मास्टर जी को कितने मजे ले रहे हैं, खड़े हो गए हैं डॉग के साथ। और ये देखिए हमारा पिंचू लल्लू राम कैसे रो रहा है ठंड के मारे, और मम्मी भी साथ में बैठी है उसकी। प्रगुन तो लग रहा है इसके ऊपर ही बैठ जाएगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इन सीढ़ियों से ऊपर जाके कौन सी राइड आप ले सकते हो। और ये देखिए दोस्तों अंदर मम्मी के पूरे बालों में बर्फ ही बर्फ जम गई। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप आइस स्केटिंग कर सकते हैं, और आइस स्केटिंग करने के जो शूज़ चाहिए होते हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ बैठ के आप अपने शूज़ चेंज कर सकते हैं, देन आप अपनी आइस स्केटिंग करिए। बहुत ही मजा किए, लोगों ने सन स्लाइड भी करे, सब कुछ किया, एंजॉय किया, और अब हम जा रहे हैं एग्जिट कर रहे हैं गेट के बाहर। Ha 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 ha!
थैंक यू बोलो। बैठा है प्रवीण, प्रवीण ने मंगाया है। मैंने बर्गर खा लिया पर मैं फ्रेंच फ्राई खा रहा हूँ। अरे वाह, अब पिंचू क्या खा रहे हैं? फ्रेंच फ्राई खा रहा है, चकोलावा खा रहा है, आलू की दलिया खा रहा है। और आप लोग क्या खा रहे हो? मृत्यु को तो भूख लग रही है इतना, वो अपने पति को भूल गई कि तुमने खाया नहीं खाया। लगता है मम्मी बहुत थक गए हैं, मम्मी आज घूम घूम के थक गए हैं, घूम घूम के वो ज़्यादा ही थक गए हैं, है ना प्रगुन? और ये देखिए दोस्तों, फिर अब हमने यहाँ पर डिनर कर लिया है हल्दीराम में, अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और लगता है मनीष ने पहले ही गाड़ी अपनी ऑन कर दी है ताकि एसी ठंडा हो जाए। दिल्ली की सड़कों में देखो अभी भी रात को कितना ट्रैफिक है, 10 बज रहे हैं इस समय अक्षरधाम के पास में, तो ट्रैफिक देखो अभी भी कितना है, सब लोग सड़कों पे निकले रहते हैं दिन भर दिल्ली में। तो दोस्तों फिर अब आपको मिलता हूँ द्वारका में। दोस्तों अभी हम लोग जो इंडिया गेट के सर्कल पे हैं, ये बगल में इंडिया गेट ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न अभी रात को बंद कर रखा है इस समय लाइटिंग, क्योंकि 15 अगस्त है ना। और ये पंडारा रोड है और अभी यहाँ पर आगे चलो चलो चल चलते रहो चलते रहो अभी राइट राइट रहे राइट राइट रख प्लीज। अभी शाहजहाँ रोड आ गया, अब आएगा इसके बाद, हाँ अब मनीष आपको लेफ्ट में रखना है अकबर रोड के लिए। लेफ्ट लेफ्ट देखिए, यहाँ से जो है ये आगे हमारा अकबर रोड, अब हमें द्वारका के लिए बस अकबर रोड पकड़नी चाहिए यहाँ से बस। तो दोस्तों देखिए ये है ITC मौर्य शेल्टन होटल, पूरा तिरंगे में लिपटा हुआ लग रहा है। और इसी के बिल्कुल बगल में है हमारा ताज होटल, देखिए बिल्कुल ये भी तिरंगे में लिपटा हुआ है पूरा, 75 ईयर्स कम्प्लीट इंडिपेंडेंस डे। अब हम पहुँच चुके हैं धौलाकुआं, धौलाकुआं में देखो ये मेट्रो जो है ट्रेन जा रही है, मजेंटा लाइन है ये देखिए धौलाकुआं के ऊपर से निकल रहे हैं हम। दोस्तों फिर मैं पहुंच गया हूं वापस अपने घर, हम लोग अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं अभी, और हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं द्वारका में दिल्ली। और बड़ा मज़ा आया, Sector 18 नोएडा में गए, वहां पर जो DLF मॉल है वहां पर कितना मज़ा आया, स्नो वर्ल्ड में स्नो वर्ल्ड देखने गए थे, उनको घुमाया मैंने बच्चों को। फिर वहां से अक्षरधाम गए, अक्षरधाम में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो वो मैं कर नहीं पाया, लेकिन वहाँ पर आप जब जाएं तो अपना सारे फ़ोन पर्स बेल्ट लेदर की सब अपनी गाड़ी में रख दें, जहाँ लॉकर रूम में आप उसको सेफ रख सकते हैं। फिर वहाँ जाके जो आप लोग टिकट लीजिए, उन टिकट में आप जो है अपना बोट कर सकते हैं, मतलब अंदर बोट राइड है, बहुत ही बढ़िया है। जो भी एग्जीबिशंस हैं वो सारा का सारा अटेंड पक्का कीजिएगा, वैसे धाम में जाके आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देन बगल में हल्दीराम है या फिर अंदर ही फूड कोर्ट है, वहाँ आप अपना डिनर कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं। और रात को जो वहाँ पर 7:30 बजे फाउंटेन शो होता है वो पक्का अटेंड कीजिएगा, उसका अपना अलग ही मज़ा है। तो ये सब चीज़ें द्वारका दिल्ली में हैं घूमने के लिए, बहुत चीज़ें और भी हैं, एक दिन के दिन में ये कर सकते थे, बाकी देखते हैं, एक दिन और है अपने पास, देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो। अदरवाइज जय हिंद, गुड नाइट।